नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। 4 हफ्ते पहले घिरे इलाके के खिलाफ इजराइल के बमबारी अभियान की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में कम से कम 46 पत्रकार मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं, जो 1992 के बाद से क्षेत्र में किसी भी अन्य युद्ध में मारे गए मीडिया कर्मियों की संख्या को पार कर गया है। गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि ज्यादातर पत्रकारों को सीधे तौर पर इजरायली कब्जे वाली मिसाइलों से निशाना बनाया गया और अन्य उनके घरों पर हुई बमबारी में मारे गए। मीडिया कार्यालय ने अपने देश के लिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले समर्पित पुरुषों और महिलाओं के परिवारों और उनके परिजनों व साथी पत्रकारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही कहा कि शहीद हुए पत्रकार सत्य की रक्षा में अंतिम सांस तक खड़े रहे। पत्रकारों की सुरक्षा करने वाली समिति ने कहा कि 1992 में डेटा पर नजर रखना शुरू करने के बाद से क्षेत्र में किसी भी अन्य संघर्ष की तुलना में गाजा पर इजराइल के युद्ध में अधिक मीडिया कर्मियों के मारे जाने की खबर है। अभूतपूर्व इजरायली बमबारी तब शुरू हुई जब फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली शासन के बढ़ते अपराधों के जवाब में गाजा स्थित फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलनों ने कब्जे वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन अल अक्सा तूफान शुरू किया। गाजा पट्टी पर इजराइल के नरसंहार हमले में मारे जाने वालों की संख्या कम से कम 9,572 है। वहीं 26,000 से अधिक व्यक्ति, जिनमें अधिकतर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है, घायल भी हुए हैं। शासन ने दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक को पानी, बिजली, ईंधन जैसी बुनियादी आपूर्ति से भी काट दिया। चिकित्सा आपूर्ति और भोजन की कमी के कारण 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों में भुखमरी का खतरा पैदा हो गया है। फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार को तत्काल समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांगों को खारिज करते हुए अवैध इकाई ने अब तक युद्ध विराम के लिए किसी भी आह्वान को अस्वीकार कर दिया है। जब साक्षात्कर्ता ने पूछा कि क्या इजरायली मंत्री ने गाजा पट्टी पर सभी को मारने के लिए किसी प्रकार के परमाणु बम गिराने की वकालत की है, तो एलियाहू ने उत्तर दिया, ये एक विकल्प है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंत्री की टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उन्हें वास्तविकता से अलग बताया। साथ ही कहा कि इजराइल गाजा में गैर लड़ाकों को बख्शने की कोशिश कर रहा था। अपनी टिप्पणी पर आक्रोश के बाद एलियाहू ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि परमाणु बम के बारे में उनका बयान प्रतीकात्मक था। इसराइल ने कभी भी परमाणु बम होने की बात स्वीकार नहीं की है। धन्यवाद।